बड़ी सारी बातें आ गई। मैं सोच रहा हूं मैं क्या सुनाऊं अब। मौन से मैं तो सिंपली चार पांच साधनाएं बाबा की मुरलियों से नोट की, जो गहरी बातें हैं। आत्मभिमानी होने की साधना, आत्मिक दृष्टि बनाने की साधना, बुद्धि को एकाग्र करने की साधना, पांच स्वरूपों की साधना, फिर हो जाता है योग फर्स्ट क्लास। मौन, आप सोचते होंगे मौन कैसे रहेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल ले लें इस टॉपिक को। मौन कैसे रहेंगे सारा दिन, बहने रह सकती हैं ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे कर रही, जैसे आंध्र वाले आते हैं ना हमारे यहाँ, उनसे पूछा अगर उन्हें हाँ करना तो भी ये, ना करना तो भी ये। दादी बहुत मजाक करती थी उनकी कि भाई क्या समझे हाँ या ना, उसमें भी ऐसे कुछ भी समझ लो। तो मौन रहना ये प्रैक्टिकल में तो पॉसिबल नहीं है, कोर्स लेने वाले आ जाएंगे आपके पास। कभी कभी ऐसा भी होता है आप मौन रख लें तो आपके साथ ही दुखी हो जाएंगे। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल ले लेना चाहता हूँ, ये नहीं कि सिद्धांत पे मौन पे मैं एक घंटा भाषण कर दूं और आप पल्ला झाड़ के नीचे चले जाओ, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। पर एक सुंदर अनुभव सुने आप, बहुत बहुत साल पहले की बात है, शायद 45 साल हो गए होंगे। तो बाबा की कोई ऐसे ही मौन पे मुरली चली तो दादी सुना रही थी और सबने एक साथ दादी को कहा दादी मौन रखना है अब हमें, क्योंकि मधुबन में जब तक दीदी मनमोहिनी थी तो गुरुवार और सोमवार तो मौन रहता ही था। मौन को दूसरा नाम दे दिया गया था मूवी, माना थोड़ा बोलना है और धीरे बोलना है जहाँ काम काज में जरूरत है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो दादी ने भी कहा एक मास सब मौन रखेंगे, और उसके साथ एक काम और कर दिया कि दो ही टाइम भोजन खाएंगे, तीन नहीं, 10:30 से शुरू हो जाएगा और शाम को 6 से। पहला दिन सोमवार का दिन था, मधुबन परमधाम बन गया, कोई नहीं बोल रहा था, बहुत रुचि से सबने स्वीकार किया था। अभी जिनसे मौन रहा नहीं जाता, ऐसे भी तो बहुत होते हैं ना, भारी पड़ गया उन्हें एक ही दिन, दूसरे दिन मौन हल्का हो गया, सुख संवतन वाला रह गया, धीरे बोलना। तीसरे दिन 10-20 का छूट गया, चौथे दिन आधो का छूट गया, पांचवे दिन सबका छूट गया। लेकिन अनुभूति क्या हुई, उन दिनों मौन तो रखा जाता था, तो मुझे तो विशेष करके बहुत आदत थी, दो दिन तो मौन रखते ही थे स्ट्रिक्टली। और तो अनुभव क्या हुए, लोगों के पास काम नहीं रहा कुछ करने को। क्यों बताओ, इसका राज बताओ, क्योंकि बिजी मनुष्य व्यर्थ में, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है तो काम ही नहीं रहा। तो समझ में आ गया, अब बाबा की एक गहरी बात जो उन दिनों चली थी, जो एक प्रसिद्ध शब्द था सिंधी की कहावत, कम खर्च बाला नशीन, इंग्लिश में इकोनॉमी एट एक्सेलेंस, इकोनॉमी करो और सुंदर हो जाए काम, तो उसका बाबा ने अर्थ बताया था, संकल्पों की जितनी इकोनॉमी करेंगे कार्य शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। बड़ा सूक्ष्म रहस्य है ये,
बोल की जितनी इकोनॉमी करेंगे यानी कम खर्च करेंगे, कार्य शक्ति बढ़ जाएगी। दोनों की करने लगे तो कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाए। और इस संबंध में आज तक के अव्यक्त मूल्यों का सबसे गुह्य रहस्य है, अव्यक्त मूल्यों में आ गया है, जब तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओगे तो एक घंटे का काम एक मिनट, एक मास का काम एक मिनट में पूरा हो जाएगा। एक मास का काम एक घंटे में, मैं भूल रहा हूँ, बहुत पहली बात है, एक मास का काम एक घंटे में पूरा हो जाएगा। ये ठीक बात याद आ गई मुझे, क्योंकि मैं इस पे चर्चा करता था कि एक दिन का काम दो मिनट में। अब ये इतनी गुह्य बात है कि अगर मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए तो कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, दस गुनी। बोल व्यर्थ छूट जाए तो कार्य शक्ति दो तीन गुना बढ़ जाएगी, फटाफट काम होंगे, उनमें विघ्न भी नहीं आएंगे। बाबा की उन दिनों बहुत अच्छी मुरलियां चली मौन पर, उसमें एक सुंदर बात जो बहुत प्रैक्टिकल में लाने की है, योग के मार्ग पे चलने वालों को, जहां कोई काम 50 शब्द बोलकर कराना है वो 5 शब्द बोल के कराओ। ये थी उन दिनों की बाबा की एक सुंदर शिक्षा धारणा, बहुत अच्छी ये बात है। मौन में रहने से, कई बहनों ने जनवरी में रखा होगा, थोड़ा थोड़ा तो रखा होगा बहुतों ने, हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में भी, यहाँ भी कईयों ने फुल रख लिया था, बहुत कम बोलना है। अनुभव सुनाए कि जब मौन रखा, और अकेला मौन नहीं, साथ में योग की साधनाएं भी, तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अपनी कमियां साफ नजर आने लगी। स्वमान भी बहुत अच्छे अनुभव में आने लगे। तो दोनों चीजों की महसूसता, मुरली चलिए ना महसूसता पे, अभी अपनी महानताओं की महसूसता, अपनी शक्तियों की महसूसता, और जब ये दोनों हो जाती हैं तो कमजोरियों की महसूसता स्वतः ही हो जाती है, और परिवर्तन की शक्ति भी आ जाती है। तो हमें अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करना है, जब बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने बहुत अच्छी साधनाएं कराई, आपको याद आ जाएगा, किसी वर्ष को तपस्या वर्ष कहा, किसी वर्ष को अव्यक्त वर्ष, किसी मास को अव्यक्त मास। उन दिनों हर वर्ष को इस तरह नाम दिया जाता था पुरुषार्थ की दृष्टि से। तो तब मैंने बहुत उसे एक चीज कराई थी, क्योंकि मधुबन में इतना भीड़ भाड़ नहीं होती थी, आने वालों की संख्या इतनी नहीं होती थी, तो बाहर वालों से भी एक चीज कराई कि जिस दिन छुट्टी हो आपकी, एकांत में बाहर कहीं सुंदर बगीचे में चले जाओ, पता होता है सबको कहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती, और सारा दिन ये अभ्यास करना, एक पूरा प्रोग्राम बना दिया। तो उससे एक दिन ही वो बहुत बड़ी खुराक देने वाला हो जाता था। तो बहुतों ने कर लिया था, कुमारों ने ज्यादा कर लिया था। एक दिन जब भी छुट्टी हो, कहीं संडे को होती है, कभी किसी की और दिन हो जाए, क्योंकि बाबा ने तपस्या की लगन बहुत ही श्रेष्ठ लगा दी थी। और हम सब जानते हैं कि बाबा कभी भी समय को डिक्लेयर नहीं करता। जो आज तक समय डिक्लेयर यहां से किए गए वो बाबा ने नहीं किए थे, हम सब ने किए। कुछ बातों को गलत समझ लिया बाबा की,
और डिक्लेयर कर दिए। लेकिन बाबा ने तो कह दिया एक मिनट पहले भी नहीं बताएंगे, समय को गुप्त रखता है बाबा भी, ताकि हम समय की सूक्ष्मता को पहचान कर पुरुषार्थ कर लें। बाबा अगर कह दे 5 दिन के बाद एटम बम गिरना है तो सब काम धंधे छोड़ के बैठ जाएंगे, कोई भयभीत भी हो जाएंगे। ये नहीं कि पुरुषार्थ हो जाएगा, बहुतों से तो कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, मरेंगे अब सब मर जाएंगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, क्या करना पढ़ के हमें। तो संसार में अव्यवस्था फैल जाए अगर बाबा समय बता दे, इसलिए ये ड्रामा में ही इसको गुप्त रखने का रहस्य है। तो हम सभी समय की सूक्ष्मता को पहचानते हुए थोड़ा अपने जीवन में मौन को स्थान दें। पहला बोल पर कम कर दें, 50 शब्द की जगह 5 शब्द, ये तो किया जा सकता है। पूरा मौन रहना तो मुश्किल ही काम होता है। हमारी दादी कहा करती थी, प्रकाशमणि जब मौन रहता था ना यहाँ, तो कहती थी आप सब तो मौन रखते हो, मेरे को तो कोई रहने ही नहीं देता, क्योंकि कार्य चलता था बहुत, कोई मिलने आ रहा है तो बहुत सारा चलता था। तो हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं और अंतर्मुखी हो जाना है। बहुत लोग मौन नहीं रख सकते हैं, बताओ क्यों? हमारी एक बुजुर्ग सी दादी थी, वो भी थोड़ी ज्यादा ही बोलती थी, तो वो बहुत जस उमंग से बोलती थी, मौन रखोगे मुंह में बदबू हो जाएगी। मैं उनके आसपास रहता था, मैं कहता था 2-4 बार ब्रूस कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है उससे, बदबू निकाल देंगे। बहुतों से मौन नहीं रहा जाता, क्यों? रियल कारण बताएंगे, मोटा कारण नहीं। और थोड़ी गहरी बात करो, ज्यादा सोचने की प्रैक्टिस, इधर उधर देखने की प्रैक्टिस। मन को बाह्य मुखी किया हुआ है बहुतों ने, कुछ लोग तो बोलते ही बहुत ज्यादा हैं। हंसी की बात और सुना दूं, एक माता जी का फोन आया, पिछले साल की बात है, मेरी लड़की घर आ गई है ससुराल से। मैंने कहा कहाँ है, ये रही, कराओ बात। मैंने कहा क्यों आ गई? हंसने लगी। मैंने कहा तुम तो बड़ी खुश हो, फिर क्या गड़बड़ हो गई भाई? कहा भाई जी मुझे बहुत बोलने की आदत है, सास हाथ जोड़ती थी हमें भी तो बोलने दो, पति तंग हो गया। अब कहा भाई अपने घर जाओ थोड़े दिन, 6 मास तो जाओ, फिर देखेंगे। मैंने उसको समझाया तुम्हारा जीवन अब यहाँ तुम सुखी रहोगी क्या? उसकी माँ कहती यहाँ भी बहुत बोलती है। एक ही कमजोरी ने देखो उसके जीवन को कैसा कर दिया। तो हमारी बाह्य मुखी होने की आदत पड़ गई है। अब मैं अपना अनुभव जोड़ दूँ थोड़ा सा, 69 की बात है, मुझे योग को टॉप पर पहुंचाना था 1 साल में ही, और मौन रहा नहीं जाता था। बाबा ने बहुत अच्छी बात कह दी एक संदेश में, योग का एक लक्ष्य बना लो, आपे ही अंतर्मुखता आ जाएगी। मान लो हम लक्ष्य बना ले मुझे आज 6 घंटे योग करना, तो नेचुरली कम बोलेंगे, बस वो उस दिन से सुंदर हो गया। तो हमने जो अपने को बाह्य मुखी किया हुआ है, देखना भी बाहर, समझ गए ना इसका अर्थ, दूसरों को देखना, बातें भी बाहर की और दूसरों से, अपने से बातें करना भूल जाना, कर्मेंद्रियों
का झुकाव बाहर की ओर, खाना पीना सुनना, इसको बाह्य मुक्तता कहते हैं। केवल बोलना नहीं, टोटल हमारा आकर्षण संसार की ओर होना, इच्छाएं बहुत होना, इससे अंतर्मुखी होना, माना इस मुख के अंदर जो आत्मा है उसकी तरफ कर देना, चिंतन को भी, बोल को भी, इच्छाओं को भी। समझ गए ना, इच्छाओं को कैसे करेंगे, आत्मा को महान बनाने की इच्छा, तो अंतर्मुखी हो जाएंगे और मौन सुख देने लगेगा। मौन रखने के साथ ये नहीं हमें केवल चुप रहना है, बहुत अच्छी साधनाएं भी करनी है। आजकल में जो आए ना वरदान में, अतीन्द्रिय सुख और उससे आत्माओं का आह्वान, उसके अच्छे अनुभव हो जाएंगे। तो अच्छा योग अभ्यास करो। तो बाबा ने कहा, ये बाबा की मुरली बहुत चलती थी शुरू में, जो कल वरदान में आई थी, आवाज में आने में जितना सुख मिलता है, आवाज से परे रहने में भी उससे बहुत गुना मिलेगा। तो आवाज में आना जैसे सहज है, आवाज से परे रहना सहज है, अर्थात परम धाम में रहना, उसमें जो सुख है, डीप साइलेंस है, जिनको अपनी एकाग्रता को बहुत बढ़ाना हो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में परम धाम में जाकर बैठ जाएं, बस कुछ नहीं, मैं आत्मा वहां हूं, डीप साइलेंस, थोड़ी थोड़ी देर चित्त शांत होता जाएगा, यह होगा मन का मौन। तो बाह्य मुक्तता छोड़कर वाचा को कम करेंगे और परम धाम में जाकर बैठेंगे तो क्या फायदा होगा। और देखो, जैसे बाबा ने चार धाम की यात्रा सिखाई, जो तब थे उन्हें पता हो, अव्यक्त बाबा से अंतिवन में आए थे और ये चार धाम की चर्चा की थी, और एक एक जगह बैठ के क्या क्या करो, व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, शक्तिशाली बनना तो शांति स्तंभ पे, बाप समान बनना तो रूम में, रूढ़ियान करनी झोंपड़ी, डिटेल बताया था ना। तो वहाँ रहते, अपने अपने घर रहते, अगर आप संकल्प करें मैं बाबा के रूम में बैठी हूँ, क्या होगा, जो आप बात करेंगी आगे, संकल्प करेंगी, वो अलग बात, लेकिन वहां बैठते ही बाबा के रूम के वाइब्रेशंस आप में समाने लगेंगे। शांति धाम में बैठते ही शांति धाम के सारे वाइब्रेशंस आत्मा में समाने लगेंगे। ये योग से अलग की बात है, बैठ गए जाके परम धाम में, योग बाद की बात, केवल बैठेंगे तो स्वीट साइलेंस का अनुभव होगा, और ये स्वीट साइलेंस हमें शांत कर देगी। बाह्य रूप से जब मनुष्य शांत होता है तो मुख भी शांत हो जाता है। हमें शांत रहकर अपने से बातें करनी है, केवल शांत रहना नहीं, और पुरुषार्थ को तीव्र गति देने के लिए बहुत सुंदर विधि है, स्वयं से बातें करना, हर व्यक्ति को करना है। बाबा सिखाते थे मुरलियों में, साकार में भी, अव्यक्त में भी, मैंने बहुत की। मैं सामने ट्रेनिंग क्लास की छत पे बहुत घूमता था, तब ये खाली थी, अब तो सोलर लग गया, और बाबा ने कहा कि ये छत तुम्हारे लिए ही तो बनवाई है बड़ी बड़ी, एकांत में घूमो, मुरली में कहा। अभी कोई घूमे ना घूमे, मैं सोचा मुझे कह रहे बाबा, तुम्हारे लिए बनाई है, तो मैं तो रोज जाता था। शुरू में एकांत का समय बहुत लिया मैंने अपने पुरुषार्थ में, 6 घंटे रोज, रात को 10 से 11 मैं वहीं रहता था, सवेरे मुरली के बाद 8 से 9 पहाड़ियों में, तब मुरली 7:30 पूरी हुआ करती थी, और आधा घंटा नाश्ता वास्ता करके चले गए।
स्वयं से बातें करने में बहुत आनंद आया। पहले साल की बात मैं आपको सुनाऊं जो मैं अपने से बहुत करता था और उसको लिखा भी करता था थोड़ा थोड़ा। मैं समर्पित क्यों हुआ हूं, बड़ा मजा आता था। थोड़ा पर चिंतन चल गया कहीं, तुरंत आवाज आती थी, तुम पर चिंतन के लिए समर्पित हुए हो तो तुम ही रहना था। बहुत सुंदर ये बातें होने लगी। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको, मैं तो इसलिए समर्पित हुआ हूं, दो चार बातें लिख देता था। हर हफ्ते लिखने लगा मैं, ये उमंग आने लगी बहुत। तो बहुत अच्छे अनुभव हो गए अपने से बातें करना। अब बातें करने का फील्ड तब तो हमारे पास नहीं था 69 में, ना मुझे ज्यादा आता था। अव्यक्त मुरली चलने लगी तो ज्ञान का भंडार प्राप्त होने लगा। साकार मुरलियों में तो एक फिलोसॉफी है, स्मृति दिलाते हैं बाबा रोज, तुम कहाँ थे, विश्व पे राज करते थे, निर्विकारी थे, रोज आप वह बात सुनेंगे। इसलिए लोग सोचते हैं बाबा तो वही वही सुनाता है, पर वही वही बात बहुत गहरी है अगर हमें उसकी स्मृति आ जाए। अव्यक्त में ज्ञान का भंडार मिलने लगा, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस होने लगी, तो अपने से बातें होने लगी बहुत अच्छे। जो बाबा कहता था बस, मैं पहली बात तो यही करता था, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा दुनिया में, पहली बात। मेरे पास एक गिफ्ट थी इस जीवन में, बहुत अच्छी बुद्धि। मैं सोचता था अगर बुद्धिमान लोग ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तुम्हें करना है ये अपने से बातें। तो आनंद आने लगा जीवन में, एकांत में अपने से बातें करेंगे। क्या चाहते हैं संगम युग पर, भगवान से मिलन हुआ है और एक दिन आएगा ये मिलन समाप्त हो जाएगा। मैं कभी सोचा करता था वो दिन कैसा होगा भगवान के लिए भी, जब वो इस धरा पर अंतिम बार अवतरित होंगे और अपने प्यारे बच्चों के चेहरे देखेंगे। उसे तो पता होगा इसके बाद मुझे नहीं आना है, ऊपर से देखना अलग चीज, वो तो देख सकता है एक सेकंड में सब, लेकिन साकार में वो अलग ही बात है ना। मैं सोचता था उसके मन में क्या फीलिंग हुआ करेगी, होगी तो उस समय। तो जब बाबा ने कहा था ना 2-3 साल पहले, ब्रजमोहन भाई ने पूछा इस वर्ष को कौन सा वर्ष मनाए, समाप्ति वर्ष। मैं समझ गया था खेल पूरा हो गया ना, मैं मुझे तो क्लियर था। और मैंने लोगों को कहा भी, वो कहते तुम क्या बोलता है ये, बाबा नहीं आएंगे, वापिस लो अपने शब्द। मैंने कहा था लगता तो यही है सत्य कि वो आएंगे नहीं। तो देखो कितना सुंदर समय बातें करें अपने से, भगवान का और हमारा मिलन। अब मिलन रोज कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं, और उसमें श्रेष्ठ भाग्य निर्माण का सर्वश्रेष्ठ अवसर जो संसार में औरों को तो पता ही नहीं। बचपन से हम तो इतना सुनते थे, घरों में खेती होती थी तो लोग कहते थे भगवान ने कभी भाग्य बांटा था, जिसने नहीं लिया लोग उसे कहते थे कहाँ सोए हुए थे। तो हमारे बड़े लोग कहा करते थे, हमारा जो बड़ा था ना, वो जब भगवान के पास गया ना, भगवान ने गन्ने की एक पोरी दी थी और उसने उसको बो दिया, 2-4 गन्ने निकल आए, फिर उनको काट के बो दिया। इसलिए हमारे यहाँ खेती बहुत होती है गन्ने की, हमारे वहाँ गन्ने की बहुत होती है लौकिक में। मुजफ्फरनगर चीनी का सबसे बड़ा केंद्र भारत का। तो चिंतन करें, भाग्य बट रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, बहुत गहरा चिंतन है। क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, या मैं वो कर रही हूं जिससे कुछ नहीं मिलने वाला। स्वयं से बातें करने की कला जो डेवलप कर ले,
आनंदी आनंद जीवन में। अनेक बाधाएं आप ही हट जाएंगी। और बातें करें अपने से, भगवान साथ दे रहा है, उसके साथ का क्या फायदा उठाऊं। दुनिया में देखो, किसी को चीफ मिनिस्टर साथ देता हो तो लोग कम से कम अपने भंडारे तो भर ही लेते हैं 5 साल में। हर व्यक्ति सोचता है क्या कर लूं अच्छे से अच्छा, पता नहीं अगला इलेक्शन जीते या ना जीते। सोच लो, भगवान कह रहा है मेरे से जो चाहे ले लो। मुझे ये बात सबसे प्रिय लगती है, बाबा की साकार मुरलियों में आती है, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। बातें करें अपने से, क्या क्या ले लूं, इतना ले लूं जो संसार को बांट सकूं। आने वाला समय यही मांग करेगा। जो दाता बन जाएंगे उनका ही महत्व होगा इस सृष्टि में चारों युगों के लिए। जिन्होंने देने के लिए खजाने भरपूर कर लिए होंगे वो देंगे और उसके बदले में उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, और जिन्होंने ये जीवन हल्के में बिता दिया वो खाली रहेंगे, वो लेने की इच्छा रखेंगे। खजानों की बात मुरलियों बहुत आ रही है, उस दिन भी आज भी थी शायद, खजाना वरदानों में आती रहती है खजानों की बात। तो अपने से बातें करेंगे, नोट कर लो इस बात को, चिंतन करना, मुझे बाबा से क्या क्या ले लेना है। अपना प्लान खुद बनाएंगे, 8-10 बातें लिख लेना पूरे कल्प के लिए, इस जीवन के लिए नहीं, केवल पूरे कल्प के लिए मुझे बाबा से ये पूरा पूरा ले लेना है। शक्तियां सारी ले लेंगे तो जन्म जन्म सत्ता प्राप्त होगी। प्यार बांटेंगे, जन्म जन्म संबंधों में प्यार रहेगा। बहुत बड़ी चीज है, छोटी सी चीज सबसे बड़ी। जिन संबंधों में प्यार नहीं, आप जानते क्या हो रहा आजकल दुनिया में, संबंधों का प्यार भी एक अनुपम सुख है जीवन के लिए। रोटी न मिले, प्यार हो, आनंद ही आनंद होगा। जिनके विचार महान बन जाएंगे, संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा। उनके विचार जन्म जन्म संसार के लिए माननीय हो जाएंगे, फॉलो करेंगे लोगों ने। ज्ञान खजाने पे मुरली सुन चुके हैं सभी, सुनी है थोड़ा ही दिन पहले, तो शायद 15 दिन पहले, नहीं इससे पिछली तो थी, महसूसता से पिछली 10 दिन पहले ही, तन मन धन और संबंध। कितनी बड़ी बात कही भाई, लोग तो अच्छी तरह नोट कर लें, बहने भी भूल गया हो तो याद कर लें। अगर ये सब धन या वैभव या साधन प्रकृति के हैं ना, अगर ये नहीं मिलते तो ज्ञान धन की कमी है। सेंटरों के लिए भी यही बात है, सबके लिए एक ही सिद्धांत है। अगर धन साधन या वैभव प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तो ज्ञान धन की कमी है। एक एक बात में राज बता दिए बाबा ने उस दिन। मास्टर सर्व शक्तिवान की तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। तो अगर हम अंतर्मुखी होंगे मौन में तो ये सब चिंतन होगा, नहीं तो बोलने में समय भी चला जाता है। और इस चिंतन की जो एक नेचुरल योग्यता है ना, टैलेंट क्वालिटी स्किल कहेंगे, वो भी नहीं काम करता। फिर हम कुछ और सोचते रह जाते हैं सारा दिन। लेकिन सभी ध्यान देंगे, अगर हम अपने से ये अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो ये जो छोटी बातें हैं ना संगठनों की, पीछे छूट जाएंगी।
कौन सी छोटी बातें बोलो बोलो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं इसलिए छोटी है। तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष, इसने मुझे ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इनसे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर इनमें रहते हैं, इसने मुझे ये कह दिया, तो भगवान ने आज क्या कहा था, साफ 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 साफ, वो नहीं अंदर जाता। बहुत गहराई से जरा मेरे साथ साथ चिंतन कर लो। किसी ने हमें कुछ खराब बात कह दी, वो हमारे दिमाग पे छाई हुई है, तो बाबा की बातें नहीं छाती, क्या कारण है? पावरफुल बातें तो भगवान की है ना, लेकिन हमें मनुष्यों की बात क्यों पावरफुल हो जाती हैं? चिंतन करो तो बहुत मजा आ जाएगा, हट जाएंगे उससे। बोलो, एक ही एक शब्द में उत्तर है, कौन उत्तर देगा? होता है ना ये प्रैक्टिकल, मनुष्य कुछ कह दे, अपमान कर जाए, तो सारा दिन चिंतन चलता है। वैसे कहते हैं हमारा चिंतन नहीं होता, और बुरी बात का चिंतन स्वप्नों में भी होता रहता है। कारण ये है कि हम उस बात को बहुत महत्व देते हैं। अगर इस शब्द को आप जरा ठीक से समझ रहे हैं, अगर भगवान की बात को महत्व दें तो वो छाई रहेगी मानस पटल पर। ठीक बात है या नहीं? मैंने इसको इतनी मदद की थी, फिर भी इसने ऐसा बोल दिया, रो रहे हैं बस। बात एक पैसे की भी नहीं होगी, बोलने वाला खुश के बोल के आ गए हम तो, उधर वो आनंद मना रहे, इधर ये आंसू बहा रहे हैं। निकलो इससे बाहर। महत्व किसे दे रहे हैं हम? भगवान की बातों को महत्व दे दो। तुम जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। ये बातें तो एक पैसे की भी नहीं है, देखो वो छाई रहेगी बात। इसलिए मौन रखकर थोड़ा थोड़ा भी ये स्वचिंतन करना परम आवश्यक है। इसके बिना मौन का कोई महत्व नहीं, क्योंकि हमने ऐसे लोग भी देखे जो बहुत मौन रखते थे और मौन खोलते ही गुस्से का प्रेशर कुकर, लोग उनकी मजाक करते, हमारे यहीं थे, लोग उनकी मजाक करते थे कि तुम मौन ही रख लो सदा के लिए। तो इसका कोई महत्व नहीं हो। ऐसे योग का भी महत्व तब तक नहीं है जब तक योग हमारे जीवन को बदल न रहा हो। हमारे पास एक भाई है, उसकी आदत है शुरू से ही, 25 साल हो गए उसे रहते हुए, 2 बजे से 5 बजे तक योग करना। और 5 बजे जब योग करके आता है कमरे में तो 2-4 को डांटता ही है, तो उसको लोग मजाक ही करते हैं कि योग किया था या सो गया था, अब देखेंगे तुम्हें, चेक करने जाएंगे। तो इस योग से ना तो योग लगता होगा, सच्ची बात तो ये, अगर योग लगे तो चित्त शांत हो जाएगा। योग लगाना सबके बस की बात नहीं है, वो सबसे आता भी नहीं है। तो हम मौन रखकर स्वयं से बातें करें। अब सबसे बड़ी चीज है मन का मौन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैंने जो अपने लिए बहुत साल पहले एक संकल्प रखा था वही बता देता हूं। बुद्धिमान ज्ञानी वही है जो चित्त को शांत कर ले। जिसका चित्त उखड़ा उखड़ा है वो ज्ञानी नहीं, बुद्धिमान नहीं। चित्त शांत हो जाए, बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा नहीं। अपने चित्त को शांत कर दो। जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट, जिसकी जो स्थिति है एक्यूरेट,
जो जैसा व्यवहार कर रहे हैं एक्यूरेट, थोड़ी मेहनत की बात है, कहने से तो काम नहीं चलेगा। दो चार फोन आजकल मुझे ऐसे आते हैं, मैं सारा दिन फोन नहीं खोलता, 8 से 9 केवल, तो उसमें इतने आ जाते हैं कि आखिर मुझे कभी कभी 8:45 ही बंद कर देना पड़ता है। 2 फोन आज के ऐसे ही, माता बेचारी दुखी, मेरा लड़का और लड़की आपस में बात ही नहीं करते। लड़का कहता है इसको निकाल दो घर से। देखो कहां भाई बहनों का प्यार होता है और कहां ये, क्यों है ऐसा सब आप जानते हैं, सिंपल कर्मों का हिसाब किताब। एक प्रैक्टिकल अनुभव सुना दूं किसी का, अभी का, उसके लौकिक घर में एक बहन बड़ी है आयु की, सबको बहुत तंग कर रही है घर में, अशांति की हुई है, ज्ञान भी लिया हुआ लेकिन अशांति कर रही है। तो इसने बाबा को भोग लगाया, बाबा को कहा कि बाबा अब इसको शांत कर दो, ये सारे घर में अशांति पैदा कर रही है। एक सीन इमर्ज हो गया, बहुतों को सेमी ट्रांस का पार्ट है, सीन इमर्ज हो गया कि तुम जो सातों हो ना यहाँ, सातों ने पिछले जन्म में इसको बहुत सताया है। अब ये बात सुन के इनका चित्त शांत हो गया कि फिर तो भाई वो सता रही कोई बुरा नहीं है, रिटर्न तो होता है ना। सचमुच स्थिति बदल गई इसकी कि दोषी तो हम हैं, बीज तो हमने बोए हुए। मैंने भी उसको यही कहा कि उस बहन को कहना वो थी नहीं, नहीं तो मैं बात करता, से क्षमा याचना करे ताकि शांति हो जाए। बहुत अच्छा प्रयोग जो हम सिखाते हैं, आपको सिखा देता हूँ, ये सबके काम आएगा क्योंकि कलयुग के अंत में संगम का भी अंत है, ये संबंधों की टकराहट बहुत परेशानी पैदा कर रही है। पहले जो परेशानी नहीं थी अब उससे 10 गुनी ज्यादा है। अब क्या हो रहा है, मानसिक इफेक्ट हो रहे हैं सब पर, मन के रोग बढ़ रहे हैं और सताने वाला सताने में फिर आनंद लेता है कि वाह मजा आ गया, साइकोलॉजी है ना। सवेरे उठकर संकल्प करना, मैं टीचर्स बहनों को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, केवल आपके लिए नहीं, आपको सिखाना है, 2 बातें बता देता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, पहला संकल्प। ये क्यों हम पहला संकल्प कराते हैं, इस संकल्प करने से हमारी सोई हुई शक्तियाँ जग जाती हैं, तो शक्तियाँ जगेंगी तो वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये आत्मा बहुत अच्छी है, थोड़ा सा कठिन काम है ना, जो आपसे लो रोज लड़ती है वो बहुत अच्छी है, थोड़ा सोचने में भारी पड़ेगा पर आपको करना, पहले भले ही ऐसे ही करो फिर धीरे धीरे। और इसके लिए बहुत अच्छी विधि ये है कि वो व्यक्ति मूल रूप से खराब नहीं है, वो किसी चीज के परवश है, तो दया भाव आएगा ना। ये महसूसता की शक्ति में बात थी लेकिन सब लोग इसको समझ नहीं पाए, परिस्थितियों के वश कोई कुछ करता है हमें महसूस हो, इसकी बात नहीं है, ये इस परिस्थिति के वश है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस में गया है, घर में लड़ाई हुई है पत्नी से, अब वहाँ गया है, जो सामने आ रहा है उस पर इरिटेट हो रहा है, वो कहेगा मैंने क्या गलती कर दी सर, आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। पर अगर उसे पता चल जाए कि घर से पत्नी से लड़के आया है, बेचारा उतार रहा है, थोड़ा शांति से सुन लो तो ठीक हो जाएगा ना मामला। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मूल रूप से महान है और मेरी गुड फ्रेंड है नहीं, अभी बनाने के लिए ये संकल्प करना है, मेरी गुड फ्रेंड है।
इसलिए भी कि तो पूर्व जन्मों का खेल पूरा हो रहा है ना, है वो मेरी गुड फ्रेंड। तो धीरे धीरे आप देखें, सवेरे उठ के कम 5 बार इसी क्रम से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जहाँ भी आपकी संबंधों में कड़वाहट हो, ये प्रयोग कर लेना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे आप रियल संकल्प करने लगेंगे, बहुत अच्छी आत्मा है, उसी दिन से वो अच्छी होने लगेगी। मेरी गुड फ्रेंड है, उसी दिन से गुड फ्रेंड बनने लगेगी। क्योंकि अब सबके जो हिसाब किताब हैं कर्मों के, सब टीचर बहनों को विशेष रूप से ज्ञात रहे। मैं बहुत सुना रहा हूँ आजकल, बाबा ने बहुत पहले बता दिया था, विनाश का समय जब समीप आएगा तो सबके विकर्म जागृत हो जाएंगे। बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं संसार में और होंगी, जिसका कोई कारण दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे केस आ रहे हैं बीमारियों के, सारे संसार के डॉक्टर कह चुके इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन अलौकिक शक्तियों से उनकी मृत्यु निश्चित नहीं होती, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये ब्रेन में विकर्म जागृत होने का समय चालू हो गया। विकर्म ब्रेन में भी होते हैं, इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। यानी वो मन तो है पर काम नहीं कर रहा, डल। डल माना पूर्व के पाप कर्म उसमें भरे हुए हैं, तो वो एक्टिव नहीं थे, दबे हुए थे, अब एक्टिव होने शुरू हो गए हैं। इसलिए किसी के हिसाब किताब निकलेंगे, किसी का टकराव होगा, मानसिक रोग बढ़ेंगे नहीं, शुरू हो गए हैं बढ़ने, ऑलरेडी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये अभ्यास, ये ध्यान रखते हुए आप सभी भाई बहनों को डील करेंगे। और टीचर बहनें बहुत बैठी हैं, दीदी बैठी हैं, मैं बहुत जगह सब जगह कह रहा हूँ कि कोर्स देने के तरीके को चेंज करो। ये कोर्स जो हम सब दे रहे हैं, ये 60 साल पहले जगदीश भाई ने 65 साल पहले बनाया था, अब संसार बदल चुका है। उस टाइम लोग बहस करते थे, अब सर्वव्यापी पे कितने बहस करते हैं आपसे, किसी को लेना देना ही नहीं, सब जगह हो या परम धाम में हो, हमें क्या लेन देन है, हमारे व्हाट्सएप में कहाँ है वो दिखाओ, हो गया या नहीं। अब वो समय गुजर गया। आत्मा सो परमात्मा जो मुरली में आता है ना, आज भी आया शायद, उस पर कितनी बहस होती थी, आजकल कोई नहीं, किसी को यही नहीं पता आत्मा सो परमात्मा का अर्थ क्या है। एक सन्यासी मुझे कह रहा आत्मा सो परमात्मा, मैंने कहा महाराज जरा ठहरो, इसका मीनिंग क्या है, का मीनिंग क्या होता है आत्मा सो परमात्मा, उन्हें ये भी नहीं पता वो कह क्या रहे हैं। तो वो समय पूरा हो गया। अब आएंगे आपके पास मानसिक रोगी, अब सेंटरों में आने वालों की भीड़ होगी, समस्याओं वालों की, मानसिक रोगियों की, पति पत्नी के झगड़े वालों की, टेंशन वालों की। अब अपने ज्ञान को ऐसा टर्न करो कि आते ही उन्हें लगे कि यहीं से मिलेगा सब कुछ, फिर बाबा की ओर तो उन्हें ले जाएंगे, वही अपना लक्ष्य है। आत्मा के ज्ञान की लंबी चौड़ी चर्चा करने की जरूरत है, लोग बोर होते हैं। मेरे पास जब कोई आता है ना, मैं इतना ही कहा करता हूँ, तुम आत्मा हो, यहाँ ज्योति, ये तुम्हारा शरीर है, बस हो गया कोर्स। अब वो मान लेते हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। अब हम उन्हें बताने लगे आत्मा में मन बुद्धि संस्कार हैं, पहले कहते थे नहीं है, अरे हमें क्या लेना देना है, ठीक है बस आपने जो कहो ठीक है। अब बहस नहीं करते लोग, अब होगा सत्य वचन महाराज, जो आपने कह दिया सत्य। इसलिए कोर्स को टर्न करो, सूक्ष्म रूप दो, ऐसा कोर्स जो उनकी समस्याओं का समाधान दे, जो उनके घर में शांति लाए, संबंधों में प्रेम लाए, डिवोर्स की नौबत आ गई उसको रोक दे, मरना सोच रहे हैं जीवन दान दे दे। ये बहुत बड़ी बात हो रही है आजकल, लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी, मरने की
प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कुछ भी हो जाए, कर्ज हो गया, मर जाओ, बैंक से लोन ले लिया 500 करोड़, लॉकडाउन लग गए, काम नहीं चल रहे, इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है जो सारे को बेच के भी उतार दें, सब परिवार सहित मर जाओ, ये बहुत चल गया है। आपको इस तरह ज्ञान देना है कि उन्हें नया जीवन, जीवन में सुनहरी किरण दिखने लगे। एक बात और लास्ट, मन के मौन पे तो आप विचार कर लेना, बहुत बड़ा टॉपिक है। परिवार वालों को आप सब सिखाएंगे, मान लो परिवार में 5 लोग हैं, आप अकेले ज्ञान में हैं, आप जल्दी उठ गए हैं, देखो उन सबको आत्माएं एक कमरे में, 2 कमरे में घूम लो आराम से, ये सब आत्माएं हैं, संकल्प करो हमारे घर में ये बहुत अच्छी आत्माएं आई हैं, ये सब देव कुल की आत्माएं हैं, ये हमारे कुल के दीपक हैं, ये भी मनुष्य देवता बनेंगे, ये भी एक दिन जल्दी ही शिव बाबा को पहचानेंगे, ये सब बहुत अच्छे हैं, मैं महान आत्मा हूँ, वाइब्रेशंस दे दो वहाँ खड़े होके, बाबा से आए, आत्मा से पड़ गए सबके ऊपर 5 मिनट, देखना आपके घर का माहौल कैसा बनता है, सिखाएंगे सबको। और इससे जब वाइब्रेशंस अच्छे बनेंगे तो अगला कदम क्या होगा, परिस्थितियां गायब, जो लड़ने के विचार से सोए थे कल के, कल उठ के लड़ेंगे, वो कहेंगे उठ के शांत रहेंगे, लड़ाई से कोई फायदा नहीं, चेंज आ जाएगी विचारों में। ये सभी को सिखा दो और सभी करें तो जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। ओम शांति। कैंसर बढ़ रहा है और मैं इसे नाक बंद करने की बात मना इसलिए कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर ही बता रहे हैं कि नाक बंद करते हैं ना मास्क से, कैंसर बढ़ गए हैं इससे। क्यों? सिंपल कारण है, मैं तो डॉक्टरों को ही कहता हूँ आप लोगों को प्रचार करना चाहिए, मैं करूँगा, मुझे लोग कहेंगे तुम थोड़ा ही डॉक्टर हो, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, वापस क्या आ रहा है, हम पहाड़ियों पे घूमते हैं कि शुद्ध हवा मिले और गंदी ले रहे हैं, बच्चों के मुंह ऐसे बंद कर देती हैं माताएं कि सांस आना ही बंद हो जाए, इससे कैंसर बहुत बढ़ रहा है। इसलिए जब आपको कहीं जरूरत हो, पुलिस वाले पकड़ते हो, यहाँ तक रख लो, बाकी नीचे रखो। ओम शांति।